एक जज और एक वकील और दूसरी तरफ का वकील एक कोर्ट में खड़े। तो एक वकील साहब एक बकरी को ले आते हैं, तो जज साहब कहते हैं कि मैं कैसे मानूं ये बकरी है। तो वकील साहब कहते हैं नहीं जी ये बकरी है। तो लेकिन दूसरा जो वकील होता है, अपोजिट जो वकील होता है, वो कहता है नहीं मैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो मुझे, मीन्स कोई कागज़ दो। जब बात कागज़ पे आती है उसे ही हम सत्यापित मानते हैं, यानी कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी को ही हम मानते हैं कि ये एक सबूत है। और कोर्ट कहीं इमोशंस पे नहीं चलती, गरीब अमीर पर नहीं चलती, हंसी खुशी पर नहीं चलती, सुख दुख पर नहीं चलती, कोर्ट चलती है सबूत पर। हरियाणा रिपब्लिक अपने दर्शकों को बता दे कि आपने बॉलीवुड में एक फिल्म तो देखी होगी जोली LLB, और वहीं पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में भी एक जो शख्स है जिसे आज हम आपको बातचीत करवाने वाले हैं, विकास LLB। काफी ज्यादा उनके जैसा उनका जो कैरेक्टर है मिलता जुलता है, क्योंकि नॉलेज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। तो विकास जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप आए, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल, काफी ज्यादा हमारे जो युवा भाई हैं जो आपको फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, वो आपको बिल्कुल वैसा ही समझते हैं जैसा जोली LLB थे। तो वो कहते हैं कि आप जो पानीपत शहर के विकास LLB हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा वो एक मूवी है, लेकिन जैसा समाज का जो प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं एक आईना है वो बॉलीवुड होता है। और यहाँ पर एक LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिंसियरिटी और पंचुअलिटी दोनों चीज़ों को जोड़ के चलना पड़ता है, तभी एक LLB से वो एडवोकेट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल, जो हमारे युवा भाई देख रहे हैं, जो हजारों लड़के आपको फॉलो करते हैं, बात करें पानीपत में, तो आप हमें ये बताइए कि जो लोग LLB करना चाहते हैं तो LLB करने के फायदे क्या हैं, और हमें LLB क्यों करना चाहिए? क्या हम पैसे कमाने के लिए LLB करें या नॉलेज के लिए LLB करें? देखिए इसमें ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। देखिए नॉलेज हर प्रोफेशन में ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए आपको ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ बिल पास हो रहे हैं, उन बिल्स की अपडेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी नॉलेज अप टू डेट होगी। रही बात पैसे की, यदि आप उसके अंदर फील्ड देखें तो LLB से ऐसा नहीं है सिर्फ वो एडवोकेट बनेगा, वो जुडिशरी के लिए जा सकता है, वो कॉर्पोरेट लॉयर के लिए जा सकता है, वो लेक्चरर के लिए जा सकता है, लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पे एज ए टीचर एज ए जूनियर लेक्चरर जा सकता है, ADA ऑफिस में जा सकता है, देन एडवोकेसी में जा सकता है, देन आपके LPOs में जा सकता है जिसको हम कहते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो विकास जी हमारी टीम जो हमेशा सुनती आती है और कुछ लोग भी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में लगभग बात करें 2200 से 2500 तक मेंबर हैं, और प्रैक्टिस की बात की जाए तो बहुत कम लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। यस, उसका कारण है देखिए हमारे यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट बड़े नज़दीक हैं, एक BPSMV खानपुर है, एक गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, तो नियर बाय सराउंडिंग इंडस्ट्रियल जोन है पानीपत, और इस वजह से बच्चों का बहुत रुख है, चाहे उसमें आप इनकम टैक्स कह लीजिए, सेल टैक्स कह लीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस कह लीजिए, जुडिशरी के लिए कह लीजिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंक्लाइन करते हैं कि बच्चे LLB करें। लेकिन रही बात प्रैक्टिस की, अब मेंबर होना एक अलग चीज़ है, किसी भी बार काउंसिल से जब मेंबर बनता है तो वो वहाँ की एसोसिएट की डिस्ट्रिक्ट बार से भी मेंबर बनता है, मेंबर बनने के बाद वो अपने दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टाइजिंग लॉयर हैं ये विडंबना है कि यहाँ मात्र 700-800 के करीब हैं। उसका कारण नंबर ऑफ रीज़न है, कई बार पर्सनल रीज़न भी होता है, कई बार प्रोफेशनली वो इस चीज़ को ऑप्ट करता है, इसी वजह से ये नंबर है। बिल्कुल विकास जी, आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो हमारा भारत है, भारत देश है हमारा पूरा, यहाँ पर हर दिन हजारों केस आते हैं, कई केस हैं जो सालों साल बीत जाते हैं। आपने एक फिल्म भी देखा होगा कागज़, कि एक नाम के ऊपर एक शख्स पूरी ज़िंदगी अपनी लड़ाई करता है, और वही बात है कि कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं कि हमें इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस पे मैं, आपने जो कागज़ की बात कही उस पे मैं एक साधारण सा आपको उदाहरण दूंगा, एक जज और एक वकील और दूसरी तरफ का वकील एक कोर्ट में खड़े, तो एक वकील साहब एक बकरी को ले आते हैं, तो जज साहब कहते हैं कि मैं कैसे मानूँ ये बकरी है। तो वकील साहब कहते हैं नहीं जी ये बकरी है। तो लेकिन दूसरा जो वकील होता है, अपोजिट जो वकील होता है,
वो कहता है नहीं मैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो मुझे, मीन्स कोई कागज़ दो। जब बात कागज़ पे आती है उसे ही हम सत्यापित मानते हैं, यानी कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी को ही हम मानते हैं कि ये एक सबूत है। और कोर्ट कहीं इमोशंस पे नहीं चलती, गरीब अमीर पर नहीं चलती, हंसी खुशी पर नहीं चलती, सुख दुख पर नहीं चलती, कोर्ट चलती है सबूत पर। इसीलिए वो अपने ऊपर एक जो हम स्टैचू ऑफ लॉ है जिसे कहते हैं कानून ने पट्टी बांध रखी है, वो पट्टी इसलिए नहीं बांध रखी कि कानून अंधा है, ये तो एक मजाक बना देते हैं या चीज़ों को बॉलीवुड के अंदर हाइप क्रिएट करने के लिए बना लेते हैं। हकीकत ये है कि उसके सामने सब सम्मान है, वो सिर्फ सबूत देखेगा, जितना फाइल में सबूत होगा, जित मजबूती के साथ होगा। यही बात कागज मूवी के अंदर हुई थी कि उसके पास ये सबूत था कि वो मृत घोषित हो चुका है, अब मुझे ये सबूत देना था कि वो जीवित है। और अंत में वो सीएम ऑफिस से उसको लेटर जारी होता है और तभी फिल्म का क्लाइमेक्स खत्म होता है। जहाँ तक मैंने मूवी देखी, आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स कामयाब तो हो जाता है लेकिन उसके पीछे बहुत ही ज्यादा संघर्ष होता है, फैमिली की सपोर्ट होती है, दोस्तों की सपोर्ट होती है, और लोग वो नहीं देखते हैं परिश्रम की, परिश्रम उसने किया कैसे किया। तो आपकी ज़िंदगी भी हमने सुनी है बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण थी, और आपने हमने ऐसा भी सुना है कि आपके फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई लॉयर नहीं था, आप ही अब पहली जनरेशन हो जो लॉयर बने हो और वाइस प्रेजिडेंट तक आज आपका सफ़र है। तो कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण था आपका जो ये पूरा ज़िंदगी था ये आज? देखिए मेरे पिताजी श्री हनुमंत सिंह जो सरपंच रहे जटीपुर, मैं जटीपुर ही पैदा हुआ, तो सन नियर अबाउट 88 में वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हमें पानीपत उन्होंने शिफ्ट किया। और पढ़ाई करते करते जब हम 12th में पहुँचे तो मन बनाया क्योंकि कि भाई लॉ ही चूज़ करना है। मैं 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन फिर लॉ LLB किया, देन LLM की, देन PhD लॉ की। सिर्फ एक ध्येय था साथ में कि अपने फादर साहब जो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि भाई वो गांव से हमें यहाँ लेके आए, और सडनली 2009 में उनका डिमाइस हो गया, तो मेरे पीछे वुमेन एम्पावरमेंट जो कि मेरा टॉपिक भी था, मेरी मदर, मेरी मिसेज, मेरी तीन बहनें और मेरी एक बेटी, तो वो पांचों एक वुमेन एम्पावरमेंट के साथ मेरे साथ रही। और उस मातृशक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, बहन शक्ति को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, और मैं निरंतर संघर्ष करता रहा और मैंने ये आपके सामने जो भी छोटा बिल्कुल बहुत से हमारे भाई हैं, युवा भाई हैं, LLB कर लेते हैं, LLB करने के बाद भी कुछ स्कोप नहीं हो पाता, वो कामयाब नहीं हो पाते, तो क्या वजह होती है कि वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं? देखिए मैं एक बात मानता हूँ इसके लिए ना, एक जो हम बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं ना खरगोश और टर्टल की, जो कछुए की, ये जो प्रोफेशन है खासकर वकालत, इसके अंदर आप यदि कछुए की तरह, यानी कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए, ये चार चीज़ें आप अपने अंदर रखेंगे तो वकालत आपकी 101% चलेगी। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो वकालत का प्रोफेशन है वह उसी शख्स को करनी चाहिए, उसी भाई को करनी चाहिए जो पूरी तरह से संपन्न हो, आसान शब्दों में कहा जाए जिसके पास अच्छे पैसे हो, वही इस कोर्स को करे। तो इस बात में कितनी ये कितना सत्य है? देखिए ये एक पुरानी बात थी जिसमें कहते थे कोठी कार किताब, तीन क होने चाहिए, लेकिन आज है तीन क कलम कोशिश और किस्मत। तो कोशिश आती है वकील के हिस्से में, किस्मत आती है क्लाइंट के हिस्से में, और कलम आती है जज साहब के हिस्से में। तो मेरा ये मानना है कोशिश वकील के हाथ में है और वो कोशिश करे, वो अपना 100% दे, वकालत हो या केस हो या मुकदमा हो, उसमें अपना 100% देगा, रिजल्ट उसके फेवर में आएगा। अब वो कोठीकार किताब वाली, वो पुराने थे जिस टाइम बैरिस्टर बनते थे, लंदन से आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप यहाँ नियर बाय पढ़ के आएँ और आप LLB एडवोकेट बन जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कम है या LLB कोर्स कम है, LLB हो रही है, सभी कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि जो प्रोफेशन है प्रोफेशनल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला जो आपका ये पूरा प्रोफेशन है, हर कोई इज्जत देता है, वकील साहब कह के हमेशा रोज पुकारता होगा। लेकिन आप देखते हैं कि कई लोग हैं जो जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो लोग गुनाह कर देते हैं, और पैसों से जैसे फिल्मों में आपने देखा है वकील को खरीद लेते हैं,
तो रियल लाइफ में भी ऐसा आजकल सुनने को मिलता है कि कुछ वकील है पैसों लेकर केस को जो इंसाफ दिलाने की बात की जाए उसे इंसाफ ना दिलाकर उसे सजा दिलवा देते हैं। तो ये बात में कितनी सर, एक तो है एथिकल, जो भी फील्ड हो जो भी प्रोफेशन हो इसमें हमें बकायदा लाइसेंस देते हुए हमारे एक एथिकल राइट होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत है। रही बात पैसों से कानून को या ऐसा कुछ होता तो मुझे नहीं लगता हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर आज जेल में होते, मुझे नहीं लगता कि सिरसा वाला बाबा आज जेल में होता, मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद कभी जेल में ना जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसों से, बस ये है कि कानून की चाल धीमी होती है लेकिन जब भी पकड़ता है वो गर्दन पकड़ता है। बिल्कुल, हर लाखों करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और आपको पता ही है कि जब तक पुराना जाएगा नहीं नया आएगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा भाई बहुत ज़्यादा होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन आपने देखा होगा राजनीति में जिस प्रकार से चाचा भतीजा चलता है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में आ गया है, क्योंकि अगर मेरे पिताजी वकील हैं जज हैं तो वो मुझे भी लाएंगे और सबसे पहले उस कुर्सी पर वो मुझे बिठाएंगे। तो ये ऐसा होता है आजकल, देखिए लिगेसी तो लेके चलनी पड़ती है, जो लॉ प्रोफेशन है वो अप एंड डाउन्स मींस लॉयर की जो लाइफ है वो यहाँ से शुरू होके अप जाएगी, फिर एक एज फैक्टर आता है, फिर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लिमिटेड केसेस करते हैं और उसको प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। यदि उनकी फैमिली में ऐसा होता है कि उनके बेटे ने या किसी भतीजे ने तो वो बट ऑब्वियस है उसका बेनिफिट उसको मिलता है, लेगेसी तो कोई ना कोई मैनेज करता ही है। बिल्कुल, अब आपको यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो अब आपने सोचा है कि पिछले वाइस प्रेसिडेंट ने जो कार्य किया मैं उससे किस प्रकार से कुछ अलग करूँगा, कुछ यूनिक करूँगा और जो पूरे समाज के भलाई के लिए, इस पूरे समूह के भलाई के लिए क्या कुछ करूँगा? देखिए हमारी बॉडी गवर्निंग बॉडी है, रिस्पेक्टेड प्रधान जी हैं श्री शेर सिंह खरब जी और बाकी मेम्बर हैं, तो हम सभी निरंतर कार्य कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सबसे पहले हमारा जो नए अपकमिंग लॉयर आ रहे हैं उनकी बिल्डिंग के लिए हम स्पेस जो जिसकी हम डिमांड रख चुके हैं, वर्दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी रख चुके हैं और जो हमारे इंस्पेक्टिंग जस्टिस हैं उनको भी रख चुके हैं। हमारा मेन तो है सबसे पहले उनको एक स्पेस मिले कि वो बैठ के अपनी वकालत कर सके, यही मेन कार्य है। बिल्कुल, जो हमारे युवा भाई अब इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं करियर बनाने की, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि आप LLB करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जुडिशरी में जाना है, आपने एडवोकेसी में आना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है LLB करने के बाद, या आपको टीचिंग लाइन में जाना है, उसी अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन करें। क्यों, डेप्थ में लॉ को पढ़ना है या लेंथ में लॉ को पढ़ना है ये मैटर करता है। एडवोकेसी के लिए लेंथ में लॉ चाहिए, जुडिशरी के लिए डेप्थ में लॉ चाहिए, लिमिटेड एक्ट्स हैं उन्हीं की गहराई जान लो, आप जुडिशियल ऑफिसर पक्का बनेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में रिक्वायरमेंट भी है। और लेंथ में ईच एंड एवरी एक्ट, कोई भी बिल है उसको अपडेट रखें, बिल्स रखें, आर्टिकल्स रखें, न्यूज़पेपर की आर्टिकल रखें, तो आप अप टू डेट रहेंगे तो आप यू विल बी अ गुड एडवोकेट। तो विकास जी, हमारे मन में भी एक सवाल आता है, जैसा कि आप देखते होंगे कि हजारों लाखों केस हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं और एक जो जज है वो अकेला इन सब केसों को सॉल्व नहीं कर सकता है, बात करें तो इस तरह के इसमें क्या कुछ, जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है तो क्या इसमें भी कुछ अलग प्रकार से क्या कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए या कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये पूरे केस हैं जो सॉल्व हो जाएं? देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ जो पॉपुलेशन की वजह से, उसी की वजह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कैर्सिटी है, मींस लैंड की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी बात, हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मेरा एक अपना पर्सनल सुझाव है वो ये है कि जैसे अब कुछ मेन केसेस के लिए रात को कोर्ट खुलती है, क्यों ना वो परमानेंट खुल जाए, क्यों ना दो शिफ्ट में कोर्ट खुल जाए। दो शिफ्ट में यदि कोर्ट खुलती है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 17x7, 7 hours मॉर्निंग, 7 hours इवनिंग वो कोर्ट खुलेगी, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज़ यूज़ होगा और उस कोर्ट में पहले 7 hours एक जज बैठेगा, दूसरे 7 hours दूसरा जज, जो कि एक्सपर्टाइज भी हों।
ऐसा ना हो कि उसके पास मिसलिनियस टास्क हो, उसके पास उसका स्पेसिफिक चेक बाउंस का कोर्ट अलग, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी की अलग, वो कोर्ट स्पेसिफिक मेंशन हो और उससे हम इवनिंग और मॉर्निंग दो शिफ्ट में काम करें तो शायद हम इस जो आंकड़े को हैं उसको घटा सकते हैं। हाँ, ये संशोधन किया जा सकता है और संशोधन यदि हो, हमारे डॉक्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल के अंदर दो दो शिफ्ट में डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दो दो जजेस इवनिंग और मॉर्निंग में शिफ्ट में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, धन्यवाद। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ डॉक्टर विकास रोहल जुड़े थे जिन्होंने बताया कि अगर आप LLB करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, और अगर आप मेहनत करेंगे, हमेशा स्टडी करेंगे तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। तो आज उनकी बायोग्राफी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और बने रहें हरियाणा रिपब्लिक के साथ। धन्यवाद। देशवासियों को मैं डॉक्टर विकास रोहल एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत, अपनी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से और परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका, तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।